अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुल्क भर में फिर से वजीर आजम इमरान खान साहब की जेर सदारत एक और नए प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है, जिसके जरिए आप लोग घर बैठे वो मुस्तहिक खानदान जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानब से मालिकदार वसूल नहीं कर सके, तो वजीर आजम इमरान खान साहब ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करके एहसास प्रोग्राम रख दिया, जिसके तहत बहुत से ऐसे मुस्तहिक खानदान हैं जो मालिकदार वसूल कर चुके हैं। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, मगर उससे पहले गुजारिश करना चाहूंगा जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, एक मिनट लगता है मगर हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। तो बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए जो हम वीडियोस बनाते हैं, इंटरेस्टिंग वाली वीडियोस लाते हैं, बहुत मेहनत से वीडियोस बनती हैं, तो बात करते हैं कि आप लोगों ने अपना जो नए प्रोग्राम का आगाज किया गया उसमें रजिस्ट्रेशन किस तरह करवानी है। नंबर वन, तो आप लोग अपना जो खानदान पहले रजिस्ट्रेशन करवा चुका है, जिसमें अगर आप लोग नए सर्वे में शामिल हो चुके हैं, तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि उससे क्या करना पड़ेगा। अगर आप लोग अपना एहसास सर्वे में शामिल नहीं हो सके, तो अपने करीबी किसी भी एहसास सेंटर पर जाइए, वहां पर जाकर दोबारा इंदराज कीजिए, ताकि आप लोग भी एहसास प्रोग्राम में शामिल हो सके। मगर जो खानदान पहले से एहसास सर्वे करवा चुकी हैं, तो आप लोगों को अभी तक इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं कि आप लोगों के पैसे आ चुके हैं और आप लोग कैसे वसूल करें, तो मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा मोबाइल की स्क्रीन पर, ताकि वहां पर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप लोगों ने ये तरीकाकार करना है। और अगर आप लोग इस वेबसाइट में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लोगों को ज़रूरत है इस वेबसाइट की, ताकि कोई भी आप लोगों के इलाका या आप लोगों के खानदान में कोई भी ऐसी मुस्तहिक खवातीन हैं जो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुकी हैं और मालिक दाद अभी तक वसूल नहीं हुई, तो वो वसूल कर लें। किस तरह करनी है वो मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलूंगा, मगर गुजारिश है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वो आप लोगों का हक बनता है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। जैसा कि मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं, अगर आप अपना अहलियत के बारे में जानना चाहते हैं कि आप एहसास प्रोग्राम में शामिल हैं या फिर नहीं हैं, तो नंबर वन, फर्स्ट में आप लोगों को NSER सर्वे की पर्चियां आप लोगों के पास मौजूद होंगी, उसमें आप लोगों को क्या करना होगा। नंबर वन में आप लोगों ने यहां पर अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है, जैसा कि मैं एक शिनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके मैं आपको चेक भी करवाना चाहूँगा। जैसे आप लोग अपना यहाँ पर शिनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करेंगे, तो उसके बाद आपको फौरी पता लग जाएगा कि आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों का एहसास प्रोग्राम के लिए आयल हैं या फिर नहीं है। तो यहाँ पर उसके बाद आप लोगों ने दूसरा मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने तस्वीर में दिया गया कोड डायल करना है। जैसे आप तस्वीर में दिया गया कोड डायल करेंगे, तो आपको फौरी मालूम हो जाएगा कि आप एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम या एहसास कफालत प्रोग्राम में शामिल हैं या फिर नहीं है। मगर नंबर वन, जो मुस्तहिक खवातीन हैं वो एहसास कफालत प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो अपने किसी भी करीबी एहसास सेंटर पर जाकर दोबारा से एहसास NSER सर्वे में इंदराज करवा के दोबारा इस प्रोग्राम में शामिल हो सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।